एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाई हूँ। ये जो ना प्रोडक्ट घरों में रखा हुआ भी अच्छा लगेगा, एक एस्थेटिक सा व्यू भी देगा और ये बिल्कुल जो है ना इसका एक बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। तो फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, इसमें दो कलर है, देखिए एक थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन है और इसमें बहुत ही प्यारी क्रिस्टल बॉल है। अब आपको क्या लगेगा ये क्या चीज़ है? असल में ये जो है ना एक एयर प्यूरीफायर है और ये जो है ना दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी जो बॉल है ना इसका तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है। तो असल में हम इस बॉल को देखें, अगर इस बॉल के ऊपर जो है ना डियर बना हुआ है, अगर आप जो है ना इसमें कोई जो है ना अपनी तस्वीर लगाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों की तस्वीर भी लगा सकते हैं और इसमें कुछ भी आपका दिल करे ना उसमें बना सकते हैं। यानी कि एक बहुत ही अच्छा सा एलिगेंट सा लुक भी देगा इसके अंदर। आप बहुत सारे मतलब इंडिया में तो बहुत सारे गॉड्स भी मतलब है, तो हम चाहे इसमें कोई गॉड की भी तस्वीर लगा सकते हैं, जो भी आपका मतलब इसमें आप कुछ भी चाहें एक तरीके से जो है ना हम इसको इस बॉल के ना कुछ भी बना सकते हैं। तो एक तरीके दिखने में भी बहुत अच्छा होगा, डेकोरेशन पीस की तरह भी काम करता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। तो आपको पता होगा कि जो इंडिया है ना वो चाइना के बहुत करीब है और वहाँ पर बहुत सारा एयर पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक ना। तो एयर पॉल्यूशन हमारा तरफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट पार्टिकल्स हैं इंडिया में और मतलब बहुत सारा मसला हो रहा है पूरे साउथ एशिया में, ये मसला है सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो है ना इन्वायरमेंट में जो है ना बहुत सारी डस्ट आ जाती है, बहुत सारा मसला हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना ये हमारे लिए बड़ा मसला होता है ब्रीथिंग का। तो बहुत सारी इशूज़ भी आ रहे हैं, बहुत सारी डिजीज आ रही है, ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ आती है, कुछ लोगों को ब्रीथिंग में मसला होता है। तो आर्टमैन ने सोचा क्यों ना हम एक प्रोडक्ट लेकर आए जो कि जो है ना ब्रीथिंग के लिए आसानी हो। तभी आर्टमैन का जो मतलब है ना जर्मन में उसका मतलब है ब्रीथिंग। तो ये एयर जो ना इनका जो फंक्शन है वो ये जो 10 मीटर जो है ना उसके अंदर अंदर ये जो ना एयर को जो ना प्यूरीफाई करता है, उसकी जो ना क्वालिटी अच्छा बनाता है, हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी ये ग्रीन हुआ है, इसका मतलब ये कि हमारी जो एयर है ना वो अभी बिल्कुल साफ है, मतलब गुड है, गुड लेवल पे। अगर ये ब्लू हो जाता है तो अगर ये ब्लू होता है, अगर हम इसको ब्लू करें या फिर ये जो है ना रेड है अभी, ठीक ना, अगर हम इसको ब्लू करें तो ये जो है ना ब्लू का मतलब ये वेरी गुड, ठीक ना। अगर हम इसको रेड करते हैं, अगर रेड है तो उसका मतलब ये कि बिल्कुल जो है ना ख़राब है, इसकी बहुत सारी ना वेरी बैड, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अगर ये येलो है या फिर ये मतलब डिफरेंट, या आपको देखिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रहा है, ठीक ना। अगर येलो है इसका मतलब ये एवरेज है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक ना। और हम इसको वापस अगर ग्रीन कर दें तो ये बहुत ही अच्छा। तो ये हम नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद होगा। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ना, ये खुद ब खुद आपको बताता है कि कितना अच्छा है एयर में। तो ये असल बात ये कि अगर हम इसको देखें किसी घर में हम रखते हैं, अपने कमरे में रखते हैं, तो कितना एस्थेटिक सा लुक देगा ना, कि एक मतलब स्नो मतलब एक किसी ग्लोब की मतलब ऐसे बॉल टाइप बनी हुई है, बहुत अच्छा सा क्रिस्टल बॉल है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्यारा सा एक ऐसा अच्छा सा लुक दे रहा है, ठीक ना। उसके बाद ये एस्थेटिक लुक दे रहा है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट है रखा हुआ और मतलब इसका ये नहीं कि ये जो है ना जो इसकी जो बना हुआ है ये सब जो है ना मतलब एक ऑर्गेनिक चीज़ से बना, उसको साइप्रस से ये सब कुछ बना हुआ है और ये इको फ्रेंडली है, सब कुछ जो है ना इको फ्रेंडली है। और इसमें ये नहीं कि इसके ना कुछ मसला, कि मैंने सुना जो पाइन से बना हुआ उसके जो है ना बैड इफेक्ट्स होते हैं थोड़े से, तो ये इसलिए उन्होंने ना साइप्रस से बनाया हुआ ताकि जो है ना ये मतलब आपके लिए ऑर्गेनिक किस्म की मतलब चीज़ भी है, इसमें इको फ्रेंडली भी है, इसके ना फिल्टर्स हैं जो बिल्कुल हाई पावर के हैं कि हर चीज़ को फिल्टर करता है, ये नहीं कि इसमें कुछ मसला हो रहा है। ये क्रिस्टल बॉल जो है ये भी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है, साफ करने में आसानी है। और ये वुड है, ये ऐसा नहीं कि बड़ा गंदा हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। उसके कॉर्नर जो है ना वो हार्श भी नहीं है कि जो कट आ जाता है वो नहीं होगा। देखिए मैं कर रही हूँ, इसमें मुझे कोई कट नहीं आ रहा, बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है ये ना। तो ये इसलिए लोगों ने ये एयर प्यूरीफायर बनाया, ये असल में कैफेज में, होटल्स में और मतलब हर जगह ना रखने में अच्छा लगता है, स्कूल्स में, कमरों में। कोई सिंगल पर्सन रहता है वो अपने कमरे में लग सकता है तो उसको पता चलता रहेगा कि हाँ मेरा जो प्यूरीफायर है वो मतलब मुझे बता रहा है कि मेरी क्वालिटी कैसी है एयर की, ठीक ना, कि मेरे उसमें कुछ मसला तो नहीं आ रहा, सांस लेने में कुछ मसला तो नहीं आ रहा, और यानी कि मुझे मेरी एयर ठीक तो है, कोई डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, कोई भी बीमार तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बताने के लिए, ठीक ना। तो अब हम इस कंपनी की बात करते हैं, जो एट आर्टमैन के नाम से जो कंपनी है, इसको इसकी जो ऑनर है वो सब एक वुमन है। तो इसकी जो ना जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जिनका कंपटीशन हुआ था ना उसमें उसको बेस्ट आइडिया का अवार्ड भी मिला था, ठीक ना। और इसको जो एनवायरनमेंट जो मतलब कॉपरेशन है कभी इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि इनको जो है ना कि इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब इसमें कोई नहीं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसका मतलब ये है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये सिर्फ कोरिया में नहीं ग्लोबली जानी जाती है इनके। और मतलब सबसे बड़ी बात ये कि ग्लोबली अगर जाते हैं उसके बाद इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इनको बहुत ज़्यादा पता है, तो इसलिए इनके लिए बहुत अच्छा है ये।
नहीं कि अगर हमारे लिए कोई मसला हो या फिर हम लोग मतलब कहें कि हमारी क्वालिटी आजकल एयर की खराब हो गई है, तो हमें बता सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि इसके अंदर जो है ना एयर मतलब हमारी सही है या नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया में आजकल बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं, ठीक ना, इधर उधर हमें सांस का मसला है, बच्चों को बहुत ज्यादा मसला होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे से डेकोरेशन पीस भी है, उसका पर्पस भी देता है, उसको बताता भी है कि ये अच्छा है या नहीं है। उसके अलावा से एयर प्यूरीफायर भी है, और इंडिया में तो बहुत सारे मतलब आजकल ट्रेंड चल रहे हैं प्यूरीफायर के, हर किसी को शौक है। मगर आप देखें एयर प्यूरीफायर इतने बड़े बड़े होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, मेटल के होते हैं, कोई अच्छे से आप कमरों में रख भी नहीं सकते। कि मैं जो जब एयर प्यूरीफायर यूज करती हूँ तो मैं हमेशा ऐसा ही कोई प्रोडक्ट लेती हूँ जो दिखने में डेकोरेशन पीस भी लगे और अच्छा भी लगे। तो मुझे सबसे अच्छा इनका फंक्शन यही लगा है कि इसके अंदर जो है ना अपनी तस्वीर डाल सकते हैं, मैं तो कोई मतलब कैट की तस्वीर लगा सकती हूँ इसके ऊपर जो है ना, और मैं भी ऐसे ही डियर है, इधर डियर है, तो ये अच्छा भी लगेगा ना। और ये मतलब एक जैसे लैम्प भी है, अगर आप इसको अंधेरा कर दें तो ये अच्छा रहेगा लैम्प के तौर पर भी ना, तो आप इसको ऑन किया हुआ है तो ये अच्छी से एस्थेटिक सा लुक भी देता है, कमरों में रखा हुआ अच्छा भी लगता है। आई होप कि इनके इस प्रोडक्ट के बारे में सोचे, एंड मुझे पता है जो प्रोडक्ट है काफी फेमस होगा इंडिया में, तो आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोडक्ट के बारे में सोचे, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाऊंगी। और सारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे कोरिया से जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।